आज बनाएंगे स्पेशल चना दाल। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। चने की दाल बनाने के लिए एक कटोरी हमने चना लिया है, उसका 1/4 हमने मसूर की दाल लिया है। इनको अच्छे से धुलकर कुक करेंगे। एक कुकर लेंगे, ये कुकर में दाल को धुल के अच्छे से ऐड कर देंगे, साथ में अपनी मसूर दाल भी ऐड कर देंगे। 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इसको 4 से 5 सीटी लगा के कुक करेंगे। जब तक हमारी दाल पकी, तब तक हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टोमेटो लिया है, 2 चिली लिया है, थोड़ा सा लहसुन है, 1 प्याज है। हम टोमेटो को पेस्ट बना लेंगे और प्याज का बारीकी कट करेंगे। प्याज को, टोमेटो को हमने ग्राइंड कर लिया है और प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है। चिली भी छोटा छोटा कट कर दिया है, ऑनियन भी छोटा छोटा कट कर लेंगे। हमारी 5 पीसें ला गई हैं। जब तक हमारी स्टीम निकल रही, तब तक हम अपनी ग्रेवी पकाएंगे। 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। 1/4 हम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। गार्लिक ऐड करेंगे जो कट करके रखा है हमने। चिली ऐड कर देंगे। आपको तीखा कम पसंद है तो आप चिली कम यूज करें। हल्का से इसको रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए बस। साथ में अपना प्याज भी ऐड कर देंगे। लहसुन के साथ में इसको भी पका लेंगे 2 मिनट के लिए बस। हल्का सा गोल्डन करना है हमारा प्याज को। 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। ये प्याज हमारा अच्छे से पक गया है, इसे टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेरे से। 1 पिंच करीब साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट हमने पहले भी दाल में यूज किया है, इस हिसाब से डेल यूज करेंगे। 2 मिनट के लिए इसके ढक के और पकाएंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। टोमेटो हमारे अच्छे से पक गए हैं। इधर हमारी स्टीम निकल गई है, इसको ओपन करेंगे और ऐड करेंगे अपनी मसाले में। हमारी दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है। इसमें हमने मसूर की दाल ऐड करी थी। मसूर की दाल इसीलिए यूज की गई थी क्योंकि हमारी चने की दाल और पानी अलग अलग ना दिखे, क्योंकि बेसिकली बनाने से चना की दाल और पानी अलग अलग दिखाई देता है। तो अच्छे से अपनी ग्रेवी मिक्स कर लेंगे। इतनी बढ़िया रिच सी दाल हमारी बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें एक लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के हमने छोटी सी कटोरी ली है, इसको दाल के बीच में रख देंगे। एक चिमटे की सहायता से हमने दालचीनी को इसको अच्छे से जलाना है। बस हम ये इसको इसमें रख देंगे बीच में। इसमें हींग ऐड करेंगे, देसी घी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छे से। ये हमारा फोक लग गया है। दालचीनी यहाँ से हटा लेंगे, इसमें बचा हुआ घी इसी में पलट देंगे। प्रेम पूर्वक डालेंगे उसमें धनिया। और ये हमारी चना दाल बनकर तैयार हो गई है। आप भी कृपया इसे बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, जिससे आप तक नई रेसिपी पहुंचती रहे। थैंक यू।